नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान अब तक अपनी जंग लड़ रहे हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बीते दिनों जो बातचीत हुई उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा है। इस वजह से किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वे कानून वापस नहीं लेते। अब आंदोलन का क्या हो रहा है? किसानों ने अपनी मांगे मानने तक आंदोलन को पीछे हटने से इनकार कर दिया है। यानी सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर किसानों का जमवाड़ा है और लगातार जारी रहेगा। इतना ही नहीं, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भी अधिक संख्या में दिल्ली की ओर कुछ की बात कही है। यानी आने वाले दिनों में किसानों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यूपी सीमा पर तैनात किसान पहले ही अस्थायी घर बना चुके हैं। कृषि बिलों के विरोध में किसान अड़े हुए हैं। किसानों को हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है। खाने पीने के सामान से लेकर किसानों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वर्ग शामिल हो रहा है। अब आंदोलन में शामिल किसानों के ट्रैक्टरों को फ्री रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स करने के देने के लिए लोग तैयार हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को मदद का ऑफर दिया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर हैं। दिल्ली पहुंचने के लिए किसानों को 3 दिन की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब हर पड़ाव पर लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हुए हैं। हरियाणा के लोगों ने फल, सब्जी, दूध, लस्सी, बिस्कुट आदि सभी उपलब्ध करवाए हैं। इसमें डिगल गाँव के लोगों ने भी सहयोग करते हुए एलावत खाप के सभी लोगों ने सहयोग किया। इसमें रोटी, सब्जी, फल, दूध, लस्सी आदि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए किसानों ने ट्रैक्टरों को रवाना कर दिया है। दिल्ली के सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकले किसानों के ट्रैक्टर खराब हुए हैं। अब उन किसानों के लिए भी ऑफर है कि उनको फ्री रिपेयर और फ्री पार्ट बदले जाएंगे, जिनको पार करने के दौरान कई ट्रैक्टरों के पार्ट टूट गए हैं। किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए कई ट्रैक्टर मैकेनिक व ट्रैक्टर पार्ट्स विक्रेता भी आगे आए हैं। इन मैकेनिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना नाम और मोबाइल नंबर वायरल किए हैं ताकि आंदोलन में शामिल किसान उनसे संपर्क कर सकें। सोशल मीडिया पर भी इन लोगों की सेवाएं को सलाम किया जा रहा है।